हेलो दोस्तों, ये कंस्ट्रेंट मोशन का चौथा लेक्चर है। ठीक है, इसमें अपन फिर से एक एग्जांपल करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, पर पिछले एग्जांपल से दो एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ब्लॉक स्ट्रिंग की जो अलाइनमेंट है, देखो जैसे यहाँ पर क्या होएगा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं समझा रहा हूँ। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये सरफेस है जो कि फिक्स है, ये आइडियल पुली है, ये आइडियल पुली है, और ये आइडियल रस्सी है। एट दिस मोमेंट, ध्यान रखना, एट दिस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। इस मोमेंट पे ये जो रस्सी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छी बात है। आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ब्लॉक ए है जो कि एट दिस मोमेंट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कहाँ पर? लेफ्ट जा रहा है। तो आप लोग को कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लॉक बी है वो कुछ इस तरीके से वी वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि अपन मानना क्या है, अपने को सवाल में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ बी। कोई प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये ब्लॉक हवा में लटक जाने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ऐसा मान लो कि ब्लॉक बहुत भारी है, जल्दी से हवा में नहीं जाएगा, और कंस्ट्रेंट है भैया कि ब्लॉक भारी है, ज़मीन में ऐसे ही चलेगा। कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल हुआ कंस्ट्रेंट मोशन का? क्योंकि आपस में ए और बी का मोशन कैसा है? कनेक्टेड है। कौन कनेक्ट कर रहा है दोनों की मोशन को? स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है। स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल है। अच्छी बात है, आइडियल है तो कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आई होप मेरा पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो उसके बाद अच्छी क्लैरिटी आएगी, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर से चार पॉइंट्स लूँगा मैं यहाँ पर, एक जो कि कहाँ पर है, ब्लॉक पे है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट अगेन पुली पे है, ये तीसरा पॉइंट अगेन पुली पे है, और चौथा पॉइंट कहाँ पर है? ब्लॉक पे है। इसका पॉइंट का नाम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया। अच्छी बात है। वो वाला पोर्शन जो कि ए और पी के बीच में लाई कर रहा है उसको मैं क्या बोल लिया? L1 बोल लिया। याद रखना यार, बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ इरिटेट मत होना, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट पी इज नॉट लाइंग ऑन दी स्ट्रिंग बट इट इज लाइंग ऑन दी पुली। और L1 कौन सा हिस्सा है? L1 स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा जो कि अभी दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, वो नहीं है। L1 स्ट्रिंग का वो वेरिएबल हिस्सा है, फिर से बोल रहा हूँ, L1 स्ट्रिंग का वो वेरिएबल हिस्सा है जो कि पॉइंट्स ए और पी के बीच में लाई कर रहा है। अच्छी बात है। वेरिएबल क्यों बोला मैं? क्योंकि वो लेंथ धीरे धीरे चेंज हो रही है। पर अगर मैं स्ट्रिंग के इतनी पार्ट की बात करूँ तो वो तो चेंज नहीं हो रहा ना यार, वो तो फिक्स है। ठीक, तो L1 इज वेरिएबल। L2 विच इज लाइंग बिटवीन पी एंड क्यू दोनों रेस्ट पे है, तो L2 जो है वो नहीं बदलेगा, L2 फिक्स है। L3 लाइंग बिटवीन क्यू एंड बी, तो अगेन टोटल लेंथ इज L, पूरी लेंथ स्ट्रिंग की मैं क्या मान लिया L, क्या हो जाएगा? तीनों का सम L1 प्लस L2 प्लस L3। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? L डैश बराबर L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश। देखो यहाँ तक की कहानी तो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि पुराने दोनों क्वेश्चन में अपन देखे थे। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, समझना बात को। ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ चल रहा है? वो स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग चल रहा है। लेंथ के अलॉन्ग इन द सेंस, एट प्रेजेंट ये वाली स्ट्रिंग कैसी लाई कर रही है? हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है, और ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड्स जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट की जो कि ए है उसकी वेलोसिटी एट प्रेजेंट इज मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छी बात, पर ध्यान दो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों तो रेस्ट पे हैं, इनका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, साफ साफ लिख रहा हूँ मैं। L2 डैश तो क्या हो जाएगा? जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L2 इज जीरो बिकॉज P एंड Q बोथ आर स्टेशनरी, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच विल बी लाइंग बिटवीन P एंड Q विल बी जीरो, सॉरी विल बी फिक्स्ड, कॉन्स्टेंट। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कॉन्स्टेंट इज जीरो। L डैश क्या है? स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल है, तो टोटल लेंथ कॉन्स्टेंट, तो टोटल लेंथ का डिफ्रेंसिएशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर से बात करते हैं L1 पे और L3 पे, L3 की बात बाद में करेंगे, L3 थोड़ा सा ट्रिकी है। L1 की बात कर लेते हैं, टेंशन ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी। L1 साफ साफ दिख रहा होगा यार, P तो भैया रेस्ट पे है, सिर्फ और सिर्फ A मूव कर रहा है वो भी P से दूर,
तो साफ दिख रहा होगा इस पॉइंट ए की वेलोसिटी जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है लेफ्ट साइड में, वो इस पोर्शन को 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1 दैट इज L डैश विल बी इक्वल टू व्हाट प्लस 5, दैट्स इट। अच्छी बात, L1 हो गया, L2 हो गया, बात करते हैं L3 की। L3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नहीं है पर नया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहली बार कर रहे हैं। सुनना, मैं इस लेंथ को फिर से बना रहा हूँ, ये बना दिया यहाँ पर, ये पॉइंट B, ये हो गया B और ये हो गया Q। अब सोचो यार कि ये B कैसा जा रहा है, ये वो B कुछ इस तरीके से V वेलोसिटी से जा रहा है। Q तो क्या है, Q तो रेस्ट पे है इसलिए Q की कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब ध्यान देना, हमें हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट ये है, टारगेट L3 डैश है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L3, ये हमारा टारगेट है, ये निकालना है। अब यार ये जो V वेलोसिटी है ये इस लेंथ के अलोंग नहीं है, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ सेपरेशन बिटवीन द Q एंड B, क्योंकि L3 कहाँ लाई कर रहा है, Q और B के बीच में। तो मेरे को बेसिकली ये निकालना है कि व्हाट इज़ द चेंज ऑफ लेंथ L3, दैट इज व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मेरे को निकालना है Q और B के बीच का डिस्टेंस का चेंज होने का रेट, जो कि V पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि V के इस वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। अलग पेन से बना लेता हूँ, सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, PQ के बीच की लेंथ क्या है वो सिर्फ V डिसाइड नहीं करेगा बल्कि V का कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करेगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या है, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, तो V कितना हो जाएगा, V cos 37 डिग्री। एक और कंपोनेंट आएगा इसका V sin 37, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, पॉइंट B की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, पॉइंट B की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि स्ट्रिंग के अलोंग है, वो कौन सा कंपोनेंट हुआ, V cos 37, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 37। फिर से बोल रहा हूँ, B और Q के बीच की लेंथ को कौन कम करेगा, V कम नहीं करेगा, कौन कम करेगा, V cos 37 करेगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ QB विल बी डिसाइडेड बाय दिस कंपोनेंट एंड नॉट V। सो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो V cos 37 है वो Q की तरफ है, तो घटा रहा इतना तो तय है, ठीक है ना। तो अगर मैं L3 डैश की बात करूं भाई, तो बिल्कुल हाईलाइट करके बता रहा हूँ क्या आएगा, -V cos 37। जब भी कोई पॉइंट दिया हो और उसकी वेलोसिटी, दो पॉइंट दिया हो जैसे इस केस में Q और B है, एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलोंग जब नहीं दी हुई हो, तब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ घट रही है या बढ़ रही है। अपने को इस पॉइंट की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग है, इस केस में वो क्या है, V cos 37। L3 डैश कितना हो गया, -V cos 37। अब क्वेश्चन में कुछ खास बाकी नहीं है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0 बराबर कितना आ गया, 5 प्लस 0 -V cos 37। तो देखो ये -5 बन जाएगा लेफ्ट साइड में आके, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, बचेगा क्या, 5 बराबर वी कॉस 37 कितना होता है भैया, 4 बाय 5। दिस इम्प्लाइज दैट V बराबर कितना आ गया, 25/4। तो 25/4 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर है भाई। तो इस क्वेश्चन में नया सिर्फ इतना ही था जो मैं इस वाले डायग्राम से समझाया। हमेशा ध्यान रखना मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, कौन लेंथ को चेंज करेगा, यानी कि कौन B और Q के डिस्टेंस को चेंज करेगा, V करेगा क्या, नहीं, कौन चेंज करेगा, V cos 37। V cos 37 क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ B विच इज लाइंग अलोंग द लेंथ QB, ठीक। तो आई होप ये सेकेंड ये जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये हमारे लेक्चर का, तो इस सीरीज का, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा नया है,
थ्योरी वाइज कुछ नहीं है कंस्ट्रेंट मोशन में, सिर्फ टाइप्स ऑफ सवाल है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अगली क्लास में एक और वैरायटी करेंगे एक सवाल की, उसके अगली क्लास में फिर से एक और वैरायटी करेंगे, 8-10 वैरायटी 15 वैरायटी कवर करने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट मोशन पढ़े बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जंप करने की सोचना भी मत, दिक्कत में रहोगे, ठीक है। फोर्स वगैरह की इक्वेशन नहीं लग पाए, कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा चाहिए होती हैं और हम भूल जाते हैं कंस्ट्रेंट मोशन लगाना, ठीक है। वेरिएबल्स दिए हुए हैं 4, इक्वेशन बन रही हैं 3, चौथी इक्वेशन कहाँ से आती है, कंस्ट्रेंट मोशन की। ये लास्ट वाली बकवास नहीं समझ में आई होगी क्योंकि मैं अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया हूँ, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाता स्टार्ट करूँगा तब ये वाली बकवास फिर से समझ में आएगी, ठीक। तो अपन मिलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू सो मच, थैंक यू।